कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं, यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति जी में रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। साथियों, हम जिस राष्ट्र की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है, हमारा भारत एक जीवंत विभूति है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तित्व है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने शाश्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है।